Patodi. Myself Sushant Panda, Chief Staff and Welfare Inspector, working in RTSL, Bombay Central Division. Today, we will discuss about RTI. The RTI, that is called as the Right to Information Act 2005. Here there is slide. Okay. The chapter is the Right to Information Act 2005. First, हम इसका background history के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. ये जो the Right to Information Act 2005 आया, तो ये that is enacted in the year 2005. इसका back history ये है कि इससे पहले जो Right to Information Act आया, ये पहले हमारा official secret act जो है 1923 से इसका चालू बिगनिंग हुआ. इट कमेंस फ्रॉम 1923 आज ए नेम ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923. वहाँ से लेके अपना हिस्ट्री अपना जो मूवमेंट करते 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 2005 तक आया. 2005 में इसको द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 नाम से डेजिनेट कर गया और ये पूरी भारतवर्ष में उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया. अब 1923 के बाद में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 आया था, उसका कोई कोई अमेंडमेंट होने के लिए बहुत सारे सरकार ने प्रयास भी किए. इन 1977 जब मोरारजी देसाई जनता दल का जो गवर्नमेंट आया, तो उन्होंने क्या किए थे, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उन्होंने बोले थे कि हम जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को मॉडिफिकेशन करेंगे और इसको एक कोई भी इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से हम प्रेरित करेंगे. लेकिन उन्होंने जैसे ही आए 77 में उन्होंने कि मैनेजिंग कमेटी का उसको दे दिए कि वर्किंग कमेटी इसके बारे में कुछ चेंजेस होगा वो करने के लिए किए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ भी चेंजेस करने के लिए कोशिश किए, लेकिन उसका जो कुछ भी लिमिटेशंस रह गया तो वो उसके बाद में थोड़ा सा काम रुक गया. फिर ऐसे होते होते फिर जब आया एक NCPRI नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक कैंपेन चला जिसका जो लीडिंग लिए कि अंजलि भरद्वाज करके एक लेडीज थे, एक्टिविस्ट थे. तो उन्होंने बोले कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, पीपल का जो भी हमारा सिटीजन है उनको जानने का अधिकार है. एक्चुअली क्या पब्लिक अथॉरिटी जो पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, व्हाट आर द एक्टिविटीज रनिंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए. प्रयास करने के बाद वो 1996 से उन्होंने प्रयास चालू किए. एट लास्ट एंड में क्या हुआ, 2005 को ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया. उससे पहले इसको क्या करते थे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से वो होता था, जो कि 1964 से वो चला आ रहा था, जो इनेक्टेड किए थे 1964, उसको अमेंडमेंट भी किया गया. NPA गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया, 2000 में अमेंडमेंट किया, फिर 2002 में अमेंड किया. एट लास्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इन दोनों का मिक्सिंग से एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये पारित हुआ. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 15 जून 2005 को पूरी पार्लियामेंट में पारित होके प्रेसिडेंट का असेंट होके गैजेट नोटिफिकेशन 15 जून 2005 को आया और जिसका पब्लिश जो हुआ 21 जून 2005 को पेपर में पब्लिश हुआ. और वहाँ से उन्होंने बोले थे कि 15 जून 2005 के बाद में जब वो इनएक्शन होगा तो उसका 120 डेज के बाद में आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑन 15 जून 2005 द RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल बी फुल्ली केम इन टू फोर्स ऑन आफ्टर 120 डेज. हेंस ऑन 12th अक्टूबर 2005 द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 फुल्ली केम इन टू फोर्स ऑल ओवर इंडिया. तो यहाँ से पूरी ऑल ओवर इंडिया में वो केम इन टू फोर्स ऑन 12th अक्टूबर 2005. उससे पहले कोई कोई स्टेट्स क्या किए थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में, अपना अपना स्टेट के अंदर वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किए थे. ऐसा पहला स्टेट होता है तमिलनाडु जिसने क्या किया था 1997 को ए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक एक्ट राइट मतलब उसी के मतलब
मतलब कनेक्शन में एक मतलब पीपुल्स इंफॉर्मेशन एक्ट करके किया था 1997, फिर राजस्थान ने लिया, गोस्तान गोवा ने, ऐसे एक एक स्टेट करके लिए थे। एट लास्ट 2005 में ए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फुल्ली केम इन टू फेयर्स ऑन 12th October 2005। लेट्स सी द स्लाइड। द आरटीआई एक्ट 2005 टोटल कवरेज इज देयर, केम इन टू एग्जिस्टेंस, दैट इज गैजेट नोटिफिकेशन ऑन 15th June 2005 and came fully into force on 12th October 2005 after 120 days from its enactment. ये हो गई प्रीहिस्ट्री। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या क्या कवरेज करता है वो हम देखेंगे। इट कवर्स टू शेड्यूल्स, सिक्स चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस। टोटल द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इट कवर्स सिक्स चैप्टर्स, टू शेड्यूल्स एंड 31 सेक्शंस। ये टू शेड्यूल्स, जो शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू, ये शेड्यूल टू क्या करते हैं कि दैट आर एग्जेम्पशन ऑफ राइट टू, एग्जेम्पशन फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। शेड्यूल टू में बोलते हैं कि देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर टोटली फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और शेड्यूल वन ये बोलता है कि जब सीआईसी, कोई सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज द चीफ ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उनका जब वो लेते हैं वारंट आता है, प्रेसिडेंट वारंट इशू करता है, वारंट इशू करने के बाद जो ओथ लेते हैं तो ओथ इज अंडर शेड्यूल वन। ये शेड्यूल वन एंड टू ए हो गया। अभी देर आर सिक्स चैप्टर्स, चैप्टर्स आर वन टू सिक्स एंड ऑल्सो देर आर 31 सेक्शन, सेक्शन 1 to 31। नेक्स्ट, दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड और दैट इज कवर्ड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये एक्ट जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। दिस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 के वजह से यहाँ पे वो आर्टिकल जो सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, एंड इट एक्सटेंड्स ऑल ओवर इंडिया अपार्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी फिर ये क्या बोलता है कि दिस एक्ट कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। दिस एक्ट कवर्स ऑल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, जितने भी आपका पब्लिक अथॉरिटीज है दे आर ऑल कवर्ड अंडर दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अभी यहाँ पे एज द नेम यार पब्लिक अथॉरिटी, दिस एक्ट कवर्स ऑल पब्लिक अथॉरिटी, बट इज पब्लिक अथॉरिटी दैट अथॉरिटीज और दोज अथॉरिटीज व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द पब्लिक दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। इन लेटर्स राइट आई विल डिस्क्राइबली मतलब ब्रीफली और विस्तार से बताऊंगा कि व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, कौन सा पब्लिक अथॉरिटी होता है, लेकिन ये आप एक चीज़ डालिए कि व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, दोज अथॉरिटीज व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द पब्लिक दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। सेकेंड, सेक्शन 26 में है, ये जो हमने शेड्यूल डबल टू बोला था, शेड्यूल टू में क्या रहता है कि देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दैट इज अंडर सेक्शन 24। आपका जो आउट ऑफ 31 सेक्शंस ये जो सेक्शन 24 है, ये सेक्शन 24 में शेड्यूल 2 में रहता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कौन सा होता है कि देर आर सम सर्टन फोर्स डिपार्टमेंट्स एंड सर्टन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स डिपार्टमेंट्स आर SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ITBP, इंडो तिब्बतान बॉर्डर पुलिस NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड AR, आसाम राइफल्स SSB, शस्त्र सीमा बल, ये होता है फोर्स डिपार्टमेंट। ये जितना भी फोर्स डिपार्टमेंट है दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बिकॉज दीज आर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, these are intelligence and security organizations, so there is no bound to disclose any information under the right to information act. Abhi there are certain intelligence departments are there, one is IB, intelligence bureau, and another is RAW matlab research and analysis wing, another is DRI, director of revenue intelligence, and another is CEIB, central economic intelligence bureau, CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CBI को तो जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जितना भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये आपको जानना है कि ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज आर कवर्ड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक्सेप्ट दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एम्बोडेड इन शेड्यूल टू सेक्शन 24 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फोर्स डिपार्टमेंट्स हुआ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हुआ, दैट आर नॉट कवर अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। कोई भी सिटीजन इन्फॉर्मेशन सीक नहीं कर पाएगा, जानने का अधिकार नहीं है, ये इन लोगों जो इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन से उनसे जानने का उनको, दैट आर नॉट कवर्ड। तो अभी दीज आर द कवरेज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मैं अभी बोला था व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, ये पब्लिक अथॉरिटी जो है ना सेक्शन 2H ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्लियरली लिखा है व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी। उससे पहले मैंने जस्ट ऐसे सिंपली बोला था कि दोज अथॉरिटीज व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द पब्लिक दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक, व्हाट इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स वी आर द सिटीजंस आर पब्लिक, हमारा इंडिया का जो हम जो पब्लिक बोलते हैं दैट इज द पब्लिक। ये जो ऑल द सिटीजंस जो अथॉरिटीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पब्लिक आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। सपोज हमारा जो देखेंगे रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे, तो इंडियन रेलवे इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सिटीजन, द पैसेंजर्स व्हिच आर ट्रैवलिंग इन आवर ट्रेन। तो ये हो जाता है कि पब्लिक अथॉरिटी। और आपका पोस्टल, इंडियन पोस्टल, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट दैट इज ऑल्सो ए पब्लिक अथॉरिटी। आपका कोई इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, आपका बेस्ट होता है, ये सब ऑल आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज दीज आर डायरेक्टली लिंक टू द पब्लिक। पब्लिक का डेली डे टू डे लाइफ में ये सब पब्लिक अथॉरिटीज लिंक्ड होते हैं। अब होता है कि उसका डेफिनेशन सेक्शन 2H में क्या बोला है कि पब्लिक अथॉरिटीज मीन्स एनी अथॉरिटी, मतलब ऐसे कोई अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो बना है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा इंडियन रेलवे, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बना है, कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि कुछ भी कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है कि आपका जैसे पोस्टल का होता है, कि आपका नेपाल का होता है, ऑल आर पब्लिक अथॉरिटीज दैट आर क्रिएटेड और कॉन्स्टिट्यूट और एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कोई लॉ पारित होकर कोई बॉडी अगर क्रिएट होता है, कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है दैट इज कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई भी स्टेट में, ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी बॉडी क्रिएट होता है बाय एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। फिर एक आया बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर से, कोई भी नोटिफिकेशन से अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है, या तो इंस्टीट्यूशन अगर इंस्टीट्यूशन अगर कंस्टिट्यूट होता है और एस्टेब्लिश होता है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। तो हमको ये मानना है कि जो हमारा कंस्टिट्यूशन के रूल, रेगुलेशन और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेटिव और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, कोई ऑर्डर से या नोटिफिकेशन से कोई भी बॉडी अगर एस्टेब्लिश हुआ है या तो कंस्टिट्यूटेड हुआ है दैट आर कवर अंडर पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स। इसमें ये हो गया कौन सा लॉ से हुआ है, अभी आएगा फिनांस्ड, कौन सा बॉडी जो फिनांस हुआ है, क्या बोलते हैं, द बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिस बॉडी को, जिस अथॉरिटीज को क्रिएट करने के लिए या उनको एम्प्लॉयज को पेमेंट देने के लिए जो गवर्नमेंट फिनांस करता है दैट आर कवर अंडर पब्लिक अथॉरिटी। और भी बोलता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई कोई आता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट सब्सटेंशियली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अगर फंड किया जाता है दैट इज फुली फंड होता है या तो पार्शियली फंड होता है, सब्सटेंशियली फिनांस्ड होता है कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, स्कूल को बोलते हैं कि
उसका जो सब्सिडी जाता है लैंड लेने के लिए, या तो उनका जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सब्सिडी मिलता है, या तो सब्सिडी फाइनेंस्ड होता है, दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। तो मतलब यहाँ पे इस डेफिनेशन में जो जो अथॉरिटीज डेफिनेशन में फिट बैठेगा दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। तो एवरी सिटीजन हैज राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पब्लिक अथॉरिटीज बाय हेल्प ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हो गई, ये आपका हो गया पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब बोलते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया, ये तो NCPRI ये सब करके राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत सारे एक्टिविस्ट ने लोगों ने बहुत सारे मेहनत किए, मेहनत करने के बाद उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, लेकिन ये तो पहले तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, लेकिन उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों आया? क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसका जो कुछ चेंजेस किया गया है, उसको मेन मकसद है कि उसमें टाइम लिमिट नहीं था, कितने दिन में आपका एक एप्लीकेशन आता है उसका जवाब देना है, वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं था। और दूसरी क्या था, उसमें पेनाल्टीज का प्रोविजन नहीं था, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी। प्रोविजन कैसे, मतलब अगर कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसको कुछ पेनालाइज करने के लिए वो प्रोविजन नहीं था जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आया। और देयर इज सर्टन टाइम फ्रेम बाउंड करा गया कि इतना टाइम के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन आता है, वी हैव टू गिव द रिप्लाई विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। ये आ गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। पहला उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सेट आउट ए प्रैक्टिकल रिगैम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स। अब हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो हमारा जो सिटीजन होता है दे हैव द राइट, मतलब ये बोलता है गवर्नमेंट क्या बोलता है, दिस इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये लोगों के लिए ही है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है, तो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अगर ये है तो कोई भी एक्ट होता है, कोई भी आपका राइट्स होता है तो ये पीपल्स का राइट्स होता है। तो कोई अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ भी शासन चल रहा है तो द सिटीजन हैज द मोस्ट पावरफुल, इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसके लिए बोला है कि देर इज ए प्रैक्टिकल रिगार्डिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन, ऑल सिटीजन शुड नो व्हाट इज रनिंग इन ए पब्लिक अथॉरिटी, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी में क्या काम चल रहा है, दे शुड नो All the activities running in a public authority। तो इसके लिए बहुत बड़ा राइट दे दिया कि आपको जानने का अधिकार की है, क्योंकि यही तो आपका कंट्री है, आप तो यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होता है इंडिया होता है, तो इंडिया क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर कोई सिटीजन को जानने का अधिकार है कि हमारे शासन में क्या चल रहा है, हम जो पब्लिक अथॉरिटीज बैठे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं वो सब जानने का। तो सेकंड पॉइंट है टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर में क्या क्या काम हो रहा है डेली टू डे वर्क में, क्या प्रोसेस हो रहा है, फाइल प्रोसेस हो रहा है कि फाइल कहाँ पे रुक गया, और क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे ही कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल पब्लिक फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। नेक्स्ट टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में क्या काम चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट बॉडी पे अगर जाता है तो अगर कोई रे पास करता है ट्रांसपेरेंट बॉडी में तो क्या करता है, रे ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो यहाँ पे ये हो गया कि ट्रांसपेरेंसी, तो हमारे जो पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी वर्क हो रहा है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इतना ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि अगर बाहर का कोई आदमी देख रहा है कि मेरा एक फाइल जा रहा है, मेरा एक वर्क ये हो रहा है, पोस्टिंग हो रहा है कि जो भी हो रहा है, तो मुझे मतलब दिखना मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि ये फाइल यहाँ पे गया, यहाँ पे दो दिन में गया, वहाँ पे दो दिन में गया, ये टोटल प्रोसीजर क्या हुआ और मुझे अपॉइंटमेंट तक मिलने तक उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और दैट शुड बी अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग। और जैसे सिलेक्शन में होता है असेसमेंट ऑफ वैकेंसी होता है, कितना पोस्ट का वैकेंसीज होता है उसका टोटल अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, मतलब
आपको वन टू वन बाई वन वन बाई वन हर फिगर का उसका अकाउंटेबिलिटी उसके पास रहना चाहिए. बाय हेल्प ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यू कैन नो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. नेक्स्ट टू कंटेन करप्शन. तो इसमें से क्या होता है कि करप्शन आज की डेट में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये करप्शन को जो कंटेन करने के लिए इसका भी प्रोविजन है. अगर मान लीजिए कि कुछ भी सिस्टम में कुछ करप्शन हो रहा है, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन अगर मिल रहा है पब्लिक को, पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगा कि नहीं ये सिस्टम में ऐसे चल रहा है, तो इसमें से क्या होगा, जो पब्लिक अथॉरिटी में जो डीलर होता है, जो वर्किंग करता है, दे विल बी कॉशस, दैट विल बी रिड्यूस द करप्शन. नेक्स्ट टू इंक्रीज सिटीजन्स अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. अगर एक सिटीजन, पहले सिटीजन को मालूम नहीं पड़ता था एक्चुअली क्या काम हो रहा है. अगर मैं मान लीजिए कि मेरा एक एप्लीकेशन लेके वहाँ पे देता हूँ, वो वहाँ पे एप्लीकेशन को किस रूप से डील करते हैं वो भी मालूम नहीं पड़ता था. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मैं उसमें एप्लीकेशन में मेरे एप्लीकेशन के ऊपर में क्या क्या कार्रवाई किया गया, तो उसमें से मेरा जो राइट है, मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो जान पाऊँगा. दैट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद में ये सब पाँच जो आइटम है वो एक सिटीजन को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है. तो इसके लिए दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. नेक्स्ट, फर्स्ट अभी यहां पे आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. मेन चीज होता है इंफॉर्मेशन. अभी जब तक हम इंफॉर्मेशन नहीं जान पाए, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, फर्स्ट अगर कोई पूछता है कि हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ही शुड नो कि कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे मांगना है. मैं अगर पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, तो मैं मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन मांगना चाहिए, और एक पब्लिक अथॉरिटी जब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही शुड नो व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग. तो इसके लिए मेन जो है, हमको पहले इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट. ज़्यादातर RTI केसेस क्या होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट के पास में आता है, क्योंकि ज़्यादातर जितना भी RTI का आता है, अगर 100 केसेस आता है उसमें से 90 केसेस आता है पर्सनल डिपार्टमेंट को. तो पर्सनल डिपार्टमेंट में अगर आता है, तो हमको ये जो अगर उस केस का जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके लिए हम उस केस में हमको ये एक अहम चीज़ जानना पड़ेगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन. अगर हम इंफॉर्मेशन जान लिए कि इंफॉर्मेशन के अंदर हमको क्या क्या देना है, तो उसके बाद में हम इजीली वी कैन गिव द रिप्लाई ऑफ ए RTI एप्लीकेशन. तो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन सेक्शन 2F में क्लियर लिखा है, सेक्शन 2F ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में क्लियरली लिखा है, द इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मेटेरियल इन एनी फॉर्म. अगर आपके पास में कोई भी मेटेरियल अवेलेबल है इन एनी फॉर्म, यू कैन गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट. जो RTI एप्लीकेंट करता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, दैट which are available in any material form that can be provided. What are the materials in any form that is available in the form of records? आपके पास records भी रहेगा, documents भी हो सकता है, memos, memorandums भी हो सकता है, emails भी हो सकता है. अगर कहीं से email आया, मान लीजिए कि CIC ने एक email दिया है, या तो railway board ने, या तो कुछ रेलवे बोर्ड से कोई ईमेल आया, अगर कोई बोल रहा है कि ईमेल का मुझे कॉपी दो, तो आपको ईमेल का कॉपी देना है. ओपिनियंस, अगर कहीं से ओपिनियन आपका, अगर फाइल प्रोसीडिंग होता है, कोई ओपिनियन मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देते हैं, तो ओपिनियन अगर चाहे तो पब्लिक अगर चाहता है, सिटीजन अगर चाहता है, तो आपको भी देना है. कोई एडवाइसेस, कोई एडवाइस अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देते हैं कि ये एडवाइस देते हैं, तो वो एडवाइसेस को देता है. प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, रेलवे बोर्ड सर्कुलर अगर होता है, ऑर्डर्स होता है, लॉग बुक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, रिपोर्ट्स होता है, पेपर्स होता है, सैंपल्स. यहाँ पे आया एक चीज, सैंपल. ये सैंपल इस केस में आता है कि मान लीजिए कि कोई PWD का काम चल रहा है, तो वहां पे बालू सीमेंट का काम चल रहा है. सपोज देयर इज सर्टन रेशियो ऑफ स्टोन, आपका जो सीमेंट होता है इसका, देयर इज सर्टन रेशियो. अगर कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझे ये सैंपल चाहिए, किस रेशियो में करके आप ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, तो वो सैंपल को भी आप दे सकते हो. लेकिन ये सैंपल तो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट में नहीं होता है. और कोई भी अगर मॉडल्स मांग रहा है, मैंने कोई सर्कुलर मांग रहा है, कोई रिकॉर्ड्स मांग रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, मेमोरेंडम्स मांग रहा है, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, इसको हमको देना है.
और एक चीज होता है कि सेक्शन 2F में बोलता है कि जो आपके पास अवेलेबल है वही चीज को तो आप दोगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके पास दोज व्हिच आर अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म दैट कैन बी ओनली प्रोवाइडेड टू दैट एम्प्लॉय। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल से छोड़ देता हूँ, अगर पीडब्ल्यूडी में बोलता है कि मेरे घर के सामने ये रास्ता क्यों नहीं गया, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, या तो बोल सकते हो कि इस में कितना सब रोड का सब रोड कितना है, सब रोड है वो बता सकता है क्योंकि वो काउंट करके पस... जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमको नहीं देना है। सपोज एक जन बोलता है कि मेरा सीनियरिटी लिस्ट क्या है, इफ इज इफ ही इज सीकिंग और सी इज सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सीनियरिटी लिस्ट, यू विल प्रोवाइड द सीनियरिटी लिस्ट। अगर वो पूछता है कि मेरा सिलेक्शन में एक अनरिजर्व कैंडिडेट हूँ और ये एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो गया और मैं क्यों ये पैनल पे नहीं आया, उसको अगर क्यों ये टाइप का जो आंसर होता है, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, तो उसका आंसर हमको नहीं देना है। सिर्फ जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को आप करिए। क्या अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई भी एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन या अपील आता है, आप उस अपील को या तो एप्लीकेशन को पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए वो मांग क्या रहा है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मेटेरियल फॉर्म में मांग रहा है, आप लिखो द इंफॉर्मेशन सर्ट बाय द एप्लीकेंट इज इनक्लोज, उसका जो कॉपी है उसको इनक्लोज करके दे दो। नेवर इंटरप्रेट एनी इंफॉर्मेशन, तो बोला है कि PIO शुड नॉट इंटरप्रेट एनी डेफिनेशन एनी इंफॉर्मेशन। आप कुछ इंफॉर्मेशन खुद तैयार नहीं कर सकते हो या बना नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो या तो कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। आप अगर बोलेगा कि ये पास में कितना लोगों का एंटाइटल्ड है, आप उसका जो पास मैनुअल्स होता है वो पास मैनुअल्स उठा के दे दीजिए, तो उसमें से वो समझ लेगा। तो हमारा मेन मकसद होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उसको हम उसको अटैच करके देना है। हमको उसको इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं करना है, हमको कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। ये बोल दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट ऑफ CIC आया था, उसका CIC का जजमेंट है CIC OA OA 2006 OO 32, ये हुआ था 2006 में। ये रहीम करके केस था वर्सेस CIC का केस था, उसमें उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिए थे कि कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा, वी शुड नॉट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू दी हम लिख के देंगे। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए कि आज पर सेक्शन 2F, ये सेक्शन 2F जरूर ध्यान रखना, आज पर सेक्शन 2F ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या द सीक सॉट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म सो कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहते हुए अगर आप नहीं दे तो यू विल बी पेनालाइज्ड बाय द CIC। ये पेनाल्टी जो है ना पर डे 250 रुपीज़, आप ये नहीं सोचो कि 30 डेज लैप्स करने के बाद आपको 250 रुपीज़ का वो पेनाल्टी लगाएगा। वो 250 रुपीज़ पेनाल्टी कब से लगाएगा, जब से उसने एप्लीकेशन किया है तब से 250 का लगाएगा, अप टू 25,000 तक उसने पेनाल्टी लगा सकते हैं। CIC ऑनरेबल CIC कैन पेनालाइज यू अप टू 25,000 अमाउंट करना है। तो इसके लिए कोई भी आपके इंफॉर्मेशन है तो आप इंफॉर्मेशन को डिनाय मत करो। अगर नोटिंग पेजेस मांग रहा है, सपोज किसी बंदा ने मांग रहा है कि नोटिंग पेजेस, मेरा नोटिंग पेजेस चाहिए, तो नोटिंग पेजेस तो देना है, क्यों छुपाना है, देना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है मेटेरियल फॉर्म में, यू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। अगर आप इस मोमेंट में नहीं दोगे, ही विल गो टू द अपीलेट अथॉरिटी, ही विल प्रिफर अपील, then he will go to second appeal to CIC, at that moment वो जब बोलेंगे तो आपको देना है। तो शुरू से क्यों नहीं देना है, शुरू से अगर आप देते हो तो अपील नहीं होगा आपके पास, दूसरे बार वो केस नहीं आएगा, तीसरे बार CIC का केस नहीं आएगा, ये सारे चीज़ का आपके को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए पहला फर्स्ट ITI एप्लीकेशन आता है, यू गिव दैट इंफॉर्मेशन इमिडिएटली। अब बोलता है कि ये जो चीज़ है सेक्शन 2F इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको अगर सेक्शन 2F को अगर एक
जन ने अच्छे से समझ लिया एक डेफिनेशन को, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को अगर अच्छे से समझ लेगा तो एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का रिप्लाई देने में उसको मैक्सिमम आधा घंटा एक घंटा लगेगा, खत्म कर देगा। फिर बाद में बोलते हैं कि तुम्हारे पास पेंडिंग है 20 डेज हो गया। नहीं, मेरे पास पेंडिंग 20 डेज नहीं होगा, आया मुझे आज अभी सुबह आया मेरे पास में, मैं 12 बजे लंच के बिफोर में उसको दे दिया रिप्लाई। ये हो गया आपका मेन इंफॉर्मेशन। अभी ये तो हो गया इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन, अब एक बंदा अगर कोई सिटीजन, कोई पब्लिक अगर राइट टू इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो कौन सी चीज को वो, उसका क्या क्या अधिकार है, कौन सी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स द राइट टू इंफॉर्मेशन एसेसेबल अंडर द एक्ट व्हिच इज हेल्ड बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के पास में ऐसा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, सबको मांगने का अधिकार उसको है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का तहत उसके अंतर्भुक्त उसने क्या कर सकता है, कोई भी वर्क प्रोसेस चल रहा है, कोई कहीं पे काम चल रहा है तो उसको भी वो इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई रिकॉर्ड्स होता है उसको भी इंस्पेक्शन करता है। एक चीज होता है वॉल्यूमिनस, आप लिखते हैं क्या लिखते हैं, द इंफॉर्मेशन सॉट बाय द एप्लीकेंट इज वॉल्यूमिनस एंड यू आर एडवाइज्ड टू कम दिस ऑफिस विद इन वर्किंग आवर, अब बोलते हैं वॉल्यूमिनस के लिए। तो आप एक चीज लिखिएगा प्रायोर इंटीमेशन, क्योंकि वो बंदा नहीं आएगा आपके पास में, प्रायर इंटीमेशन में वो देख के आएगा कि हम आपके पास आया, तो उसने जितना भी आपके पास रिकॉर्ड्स है, जो भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उसके पास आप रख दीजिए। उसके पास रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स जो होता है वो रख दीजिए। ही विल सर्च, अगर आपके पास वॉल्यूमिनस बोलते हैं ही विल सर्च, वो सर्च करके जो जो पॉइंट आउट करेगा ये मुझे चाहिए, तो उसको आपको वो कॉपी देना है। उसका क्या फीस रहेगा, क्या चार्जेस रहेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। ये होता है कि उसको इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, आप मना नहीं कर सकते हो कि आप आके डॉक्यूमेंट्स हमारा चेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ राइट ऑफ सिटीजन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बात होता है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये जो राइट्स होता है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है, ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होता है, जो हमारा जो डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर वायोलेशन होगा, ही विल गो टू हाई कोर्ट, ही विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, आपको वहां पे जवाब देना है, बराबर। ये जो होता है कि आपका दीज आर सब्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये जो राइट्स होता है, दीज आर स्टैट्यूटरी राइट्स, दीज आर द स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ ए सिटीजन, सिटीजन। अगर उसमें उसने वायोलेशन होगा, ये राइट्स में कुछ वायोलेशन होगा, ही विल गो टू दिस सीआईसी, सीआईसी इज द अपेक्स लेवल ऑफ दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये होता है एक आपका स्टैट्यूटरी राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन, दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वो आके आपके पास में इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स डॉक्यूमेंट्स वो कर सकता है, अगर उसमें से चाहेगा कुछ टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और कॉपी, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आपको देना है। जनरली बहुत सारे केसेस क्या होता है कि उसने मांगता है कि मुझे सर्टिफाइड कॉपीज दो, डिनाई कर देते, लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज देने का प्रोविजन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, आपको यू हैव टू गिव द सर्टिफाइड कॉपी। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मेटेरियल, कोई भी मटेरियल का होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का होता है, तो उसने बोले कि यहाँ से मुझे ये सैंपल मुझे चाहिए, इतना ये सैंपल लेके मैं लेबोरेटरी में टेस्ट करूंगा आपने कितना मिक्सर कर रहे हो, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट्स ये जो होता है आपका कितना कर रहे हो, तो उसको भी आपको दे सकते हो। और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियोज, कैसेट्स इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर वो कोई चाह रहा है कि मुझे आप वीडियो टेप में दीजिए, फ्लॉपी में दीजिए, डिस्केट में दीजिए, टेप्स में दीजिए, आपको उसमें देना है, लेकिन उसका चार्ज आपको लगाना है।
वो कितना चार्ज होगा, 50 रुपीज़ होगा, वो भी आगे वाला स्लाइड में बताऊंगा। ये हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जानेंगे व्हाट आर द रिकॉर्ड्स, कौन सा रिकॉर्ड जो कि आके वो चेक कर सकता है। सेक्शन 2I में लिखा है रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट्स मैन्युस्क्रिप्ट और फाइल। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी फाइल है, दैट आर कवर्ड अंडर रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स होता है उस रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड से अगर वो इंफॉर्मेशन चाहता है तो आप उसको दिखाने, कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको दिखाना है। अगर कोई माइक्रोफिल्म में है, माइक्रोपीस में है, वो फैसलेन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अगर वो है तो उसको भी दिखाना है। एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज एम्बॉडेड इन ये माइक्रोप्लेन, अगर आपके पास माइक्रोप्लेन है, फिल्म है, उसमें कुछ डाटास है तो उसको, जो भी इमेजेस है, कॉपीज है, तो वो भी रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर मान लीजिए कि उसने सर्कुलर मांग रहा है, मुझे सर्कुलर देखना है, तो आप कंप्यूटर खोल दीजिए, कंप्यूटर इज ऑल्सो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको वो देखेगा कि ये चीज़ है, हमने ये डाटा है, ये डाटा से चाहे तो एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। दिस आर कवर्ड इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। ये तीनों चीज़ का अच्छे से जान लेंगे तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन सिटीजन मांग रहा है तो हम उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब फी स्ट्रक्चर, ये जो फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कोई भी RTI एप्लीकेशन करेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई अगर सिटीजन एप्लीकेशन करता है तो 10 रुपीज़ का इनिशियल एप्लीकेशन फीस उसका लगता है। कितना रुपीज़? 10 लगता है। तो इसको किस फॉर्म में देगा? डिमांड ड्राफ्ट में दे सकता है, IPO में दे सकता है, MR में, मनी डिस्प्यूट बना के दे सकता है, या बैंकर चेक बना देगा। इस फॉर्म में उसने ही कैन अप्लाई एन एप्लीकेशन विथ an amount of this in the form of demand draft, IPO, banker's check and money receipt. तो इसको करके तो उसने फर्स्ट RTI एप्लीकेशन आपका PIO के पास या APIO के पास दे देगा। अगर वो बंदा BPL में है, अगर कोई भी सिटीजन BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में है तो देर शुड बी नो फी, उसको कोई फीस लगाने का जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि अभी जब वो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, सपोज कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, अगर सपोज 15 पेज का होता है, 10 पेज का होता है, तो आप उसको फ्री कॉस्ट दीजिए। अगर मान लीजिए कि दैट विल बी 100 out of 100 pages, 50 pages, मोर देन 100 pages, उस पेजेस को क्या करोगे? आप नहीं देना है। तो पर कॉपी का उसका 2 रुपीज़ होगा। अगर A4 साइज पेपर होगा, A3 साइज पेपर होगा, तो इंटीमेशन देना पड़ता है उसको, इंटीमेशन देना पड़ता है कि 7-3 में तो आपका इतने सारे पेजेस है, आप जो इंफॉर्मेशन मांगे थे, यू आप जो है ना, ये इंटीमेशन हम देंगे कि इतना 2-2 रुपया, जिस मान लीजिए 50 पेज है, यू हैव टू सबमिट 100 रुपीज़ टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। वो 100 रुपीज़ आपको ला के देगा, तो आप उसको 100 रुपीज़ बाय हैंड नहीं देगा, तो क्या देगा? डिमांड ड्राफ्ट में दे सकता है, IPO में देख सकता है, बैंकर चेक में, मनी रिसिप्ट में ला के देगा, तो आप उसका जो इन्फॉर्मेशन है आप दे सकते हो। और अगर कोई लार्जर साइज का पेपर है, उसको जितना उसका चार्ज है, वो चार्ज जितना कॉस्ट होगा उसको चार्ज उतना देना पड़ेगा। और एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस ऑफ ए सैंपल, अगर कोई सैंपल है तो अगर इतना कोई सैंपल मांग रहा है तो उसका जितना एक्चुअल कॉस्ट होगा तो उसको वो देना पड़ेगा। अगर इंस्पेक्शन अगर करता है कोई भी रिकॉर्ड, अगर वो आता है ऑफिस में आके आपका रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन करता है, उसको पहला घंटा जो आवर होता है वो फ्री में आपको देना, और पहला आवर में आपको कोई भी चार्जेस नहीं करना। सब्सिक्वेंट आवर जो होगा तो उसको आपने 5 रुपया पर आवर में करते जाइए। अगर मान लीजिए कि 3 घंटा देखता है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करता है, उसको कितना चार्ज करना है? 10 रुपया चार्ज करना, क्योंकि पहला आवर हमका फ्री गया, सेकेंड थर्ड 2 आवर का रहता है, तो 10 रुपीज़ उसको करना है। फिर 10 रुपीज़ का जब हो जाएगा तो उसको बोलिएगा कि जाओ आप 10 रुपीज़ का मनी रिसिप्ट करो। उसके बाद में जो जो उसने पेपर एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दैट रिकॉर्ड्स, यू विल गिव दैट रिकॉर्ड एट ए रेट ऑफ ₹2 पर पेपर, अगर A4 साइज होगा या तो A3 साइज पेपर होगा, ये उसको आपको लेना है। अगर कोई बंदा, कोई सिटीजन अपील करता है, देर इज नो चार्ज फॉर द अपील, अपील करने के लिए उसको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है। तो अगर डिस्क पे फ्लॉपी में हो चाहता है 50 रुपया देगा। अगर 47 GB तक है तो उसको यू विल गो प्रोवाइड दैट फ्लॉपी एट ए रेट ऑफ 50 रुपीज़।
दो बडीज रहते हैं, एक हमारा ये जो इंटरनल बडीज रहते हैं इंटरनल बडीज, और एक सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक रहता है, और हमारा ये जो पब्लिक अथॉरिटीज का बडी रहता है, ये दो टाइप के बडी रहते हैं। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये कहाँ पे होता है, दो पब्लिक अथॉरिटीज आर कवर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर देम वन सीआईसी इज देयर, तो सीआईसी वो रहेंगे, दैट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये जो बॉडी होगा दैट विल बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद एक रहता है एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपका एक स्टेट में वो बॉडी होगा। पहले सीआईसी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये जो है ना चैप्टर थर्ड में है, चैप्टर सिक्स में, देर आर सिक्स चैप्टर्स आर देर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। चैप्टर थ्री में क्या है उसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिटेल्स ब्यूरा है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ सीआईसी, व्हाट आर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ सीआईसी, रिट्रेंचमेंट ऑफ सीआईसी, ये पूरा आपका सेक्शन 13, 14, 15 ये में तीनों सेक्शन में ये आपका सीआईसी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए चीफ, दैट इज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक रहेंगे, और उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 जन का इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे, टोटल 11 जन का बॉडी है, ये आपका सीआईसी का है। और ये जो सीआईसी का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका टेन्योर 5 ईयर्स का रहता है, या तो 65 ईयर्स, उनका जब तक 65 ईयर्स तक उसका चलेगा, जैसे उनका 65 ईयर्स हो जाएगा उनका सीआईसी का टेन्योर खत्म हो जाएगा। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट नहीं बोलते, उनका वारंट इशू होता है, दैट वारंट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट देंगे, उनका वारंट इशू होगा सीआईसी, CIC's warrant will be issued by the President of India. अब ये CIC का selection कैसे होता है? ये CIC का selection उनका जो body होता है, 3 जन का body रहता है, एक Prime Minister रहेंगे, एक body का एक he will be the ex officio chairperson, and second will be the leader of opposition Lok Sabha का एक रहेंगे, और तीसरा जो रहेंगे that is one a cabinet minister that is nominated by the President. ये तीनों का जो है ना Prime Minister, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा अब लोकसभा एंड अनादरी कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 जन मिलके इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट देते हैं। तो आप सोचिए, हम जो कोस केस आता है सीआईसी बोलते हैं, सीआईसी के पास केस जाता है तो हमारा जो केस कहाँ तक जाता है? और ये जो सीआईसी का पावर होता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है, और उन्होंने जो भी डिसीजन देता है दैट इज बाइंडिंग, आपको यू हैव टू ओबे। और सीआईसी का कोई भी डिसीजन आता है कि देर इज नो अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सीआईसी, सीआईसी का डिसीजन देता है तो उसके ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता, दैट इज अपेक्स बॉडी। और इसका जुडिशियल पावर हो गया, मैं बोला दैट इज इक्वलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लाइक एज दैट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसका जो हेडक्वार्टर होता है डिपेंड्स अपन तो गैजेट नोटिफिकेशन वहाँ पे कहीं कहीं हेडक्वार्टर में करते हैं, या तो कोई दूसरे जगह पे जहाँ पे हाई कोर्ट रहता है वहाँ पे वो बेंच के पास करते थे, दैट इज अंडर इज गैजेट नोटिफिकेशन। एसआईसी में वही होता है कि एक होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और एक होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10, उनका मेंबर का रहता है 11 जन का रहता है, और दैट एसआईस वारंट विल बी इशूड बाय द गवर्नर, यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट होता था यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा, डिटो ऐसे होगा, यहाँ का बॉडी जो होता है वही होगा, कौन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन एक रहेंगे, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर उनका जो रहेगा, उन तीनों का उसमें से वो एसआईसी का पोस्टिंग होगा, उनका भी वही टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स होता है या तो 65 ईयर्स होता है। अगर एक मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके बाद स्टेट सॉरी उसके बाद उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर करते हैं, तो उन दोनों का टेन्योर मिला के दैट शुड बी 5 ईयर्स, दोनों को मिला के 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स नहीं होगा, दोनों मिला के 5 ईयर्स हो गए। ये हो गया आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास बारे में, और इनका जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है दैट इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 15 जून 2005 को आया, तो बोले कि 120 दिन के अंदर विद इन 120 डेज आपको ये सारे चीज का सो मोटो डिस्क्लोजर करना है सब पब्लिक अथॉरिटीज को बना दिए। तो हमारा जो फुली केम इन टू फेस कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005। ये जो पीरियड के अंदर उन्होंने बोले कि आपका जो बॉडीज होते हैं तो उसको आप कंस्टिट्यूट करो, कोई पब्लिक अथॉरिटी होगा तो उसका बॉडी को कंस्टिट्यूट करो, आपका जो स्ट्रक्चरल बॉडी है वो आप तैयार करो और वो स्ट्रक्चरल बॉडी को आप 100 डेज के अंदर पीआईओ का डेजिग्नेट करो, एपीआईओ या सीपीआईओ उसको डेजिग्नेट करो। उसके साथ साथ में आपको ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है कि सुओमोटो डिस्क्लोजर करो, सुओमोटो डिस्क्लोजर करो इन एनी फॉर्म, इन आप नेट में कर सकते हो, पब्लिक में करो। तो इसके लिए बोले कि ये रहा कौन सी सेक्शन में, रहा 41B सेक्शन में, ये बोले कि आपको सुओमोटो डिस्क्लोजर करना है। क्या क्या करना है, द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ड्यूटीज, आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या फंक्शंस है, ड्यूटीज क्या है, उसको आपको 41BI में, उसको ये एक्ट में है तो उसको आपको मतलब नेट में आपको ये इंफॉर्मेशन देना है। दूसरा, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, आपका ऑफिसर्स का और एम्प्लॉयज का क्या क्या ड्यूटीज होता है, तो उसको अगर कोई मांगता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो उसको देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सुओमोटो डिस्क्लोजर, उसको ये इसके लिए बोला था सुओमोटो डिस्क्लोजर ताकि बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं आएंगे। अगर हमने खुद खुद बहुत सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे देंगे तो पब्लिक और उससे जानेगा ही नहीं, तो अगर इंटरनेट से हम प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर इंटरनेट से हमने प्रोवाइड किए हैं, करने के बाद भी उसने अगर मांगता है कि मुझे, मान लीजिए कि अगर वो इलिटरेट होगा तो ही मांग रहा है, इलिटरेट होगा या तो उसका इंटरनेट का नॉलेज कम होगा तो इसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन सिटीजन मांग रहा है तो आप उसको मत बोलिए कि ये वेबसाइट में जाओ, ये पोर्टल में जाओ, ये गॉबिन में है, इसमें आप जाके चेक करो। सेक्शन 79 बोल रहा है आईटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, जिस फॉर्म में वो इफ ही इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म यू हैव टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन, आप डिनाई नहीं कर सकते। आप बोलो कि ये पोर्टल में जाके देखोगे तो ये नहीं करना है, आपको इन्फॉर्मेशन है आप दे दो। सेक्शन 79 में, सेक्शन 79 में बोलता है कि दोज इन्फॉर्मेशन हु इज डिमांडिंग इन एनी फॉर्म दैट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड, आपको दूसरा रास्ता नहीं, वो तो ऑलरेडी वो फंसा हुआ है, वो नहीं जान पा रहा है, नहीं देख रहे, तो फिर भी आप बोलते कि वो नेट में जाके चेक करो, रेलेट में जाओ, पोर्टल में जाओ, तो वो तो हैरानी होगा। तो ये तो एक मतलब राइट होता है, तो राइट तो वो नहीं रहा। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, नेक्स्ट 41BX, 41BX इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके लिए उसको रेड में किया गया 41BX। कोई भी एम्प्लॉय का बारे में उसका सैलरी डिटेल्स, रेमुनरेशन जो होता है, दैट शुड बी सो मच टू डिस्क्लोजर टू द पब्लिक, मैं कितना पेमेंट पा रहा हूँ, आप कितना पेमेंट पा रहे हैं, हर कोई पब्लिक अथॉरिटी में जितना भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका कितना पेमेंट मिलता है, कितना रेमुनरेशन होते हैं, वो सो मच टू डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि क्यों ये सो मच टू डिस्क्लोजर होना चाहिए, सपोज मैं 20,000 पेमेंट पाता हूँ कि 60,000 की जो भी वट एवर इट में भी, ये पेमेंट आता कहाँ से, गवर्नमेंट इज गिविंग दैट मनी, गवर्नमेंट लाता कहाँ से, तो हमारा जो दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर, हु आर द टैक्स पेयर, सिटीजन्स आर द टैक्स पेयर। अगर इफ सिटीजन्स आर टैक्स पेयर, तो मेरा जो पैसा मैं टैक्स में पे कर रहा हूँ वो पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो जानने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कि इफ आई हैव पेड 50,000 या 20,000 या 5,000 एज ए इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज गिवन दैट अमाउंट टू एन एम्प्लॉय एज ए रेमुनरेशन एज ए सैलरी, तो मेरा जो पैसा है मैं उसको जानने का अधिकार नहीं है, जानने का अधिकार है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज मिस्टर एक्स इज देयर, मैं मिस्टर एक्स के बारे में एम्प्लॉयज डिटेल्स, सॉरी सैलरी डिटेल्स मांग रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी सुओमोटो डिस्क्लोज, आपको तो द पब्लिक अथॉरिटी शुड डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन शुड खुद से करना चाहिए, आपको वो इंफॉर्मेशन आता नहीं है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में नहीं आता।
लेकिन आपको ये जब रेम्यूनरेशन के बारे में दे रहे हो, सैलरी डिटेल्स के बारे में देते हो, उसका कुछ पर्सनल डिटेल्स नहीं देना। यू शुड नॉट डिस्क्लोज द पर्सनल डिटेल्स ऑफ दैट एम्प्लॉय, दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसको कैसे करोगे? अगर मान लीजिए कि किसी का सैलरी डिटेल्स के मांग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, करना चाहिए उसका जितना भी पेमेंट बन रहा है उतने को आप रखो और सबको मास्क लगा दो, जेरस करके उतना पर्सन। अगर आपका पर्सनल डिटेल्स देते हो तो उसमें दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो बाद में बताऊंगा। पर्सनल डिटेल्स कुछ नहीं देना, आपको उसका सैलरी डिटेल्स देना है। कौन सा क्लॉज? 41BS, ध्यान से रखिए, 41BX। ये बोलता है कि द मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, दैट शुड बी सोमोटो डिस्क्लोजर, सोमोटो होना चाहिए। अब एक चीज होता है कि जो इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास ही है, ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ। किसी का सैलरी बनता है तो पेसिट क्लर्क जानता है, अकाउंट्स वाला जानता है, कंप्यूटर में हर जगह पे फैला हुआ है, तो उसमें देने में क्या है? और वो बोलता है 41BX, बोलता है कि आपको देना है, सोमोटो देना है आपको, और मांग रहा है तो देना। द पर्टिकुलर्स ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल टू द सिटीजन, अगर कोई सिटीजन के लिए जो जो फैसिलिटीज होता है वो आपको नेट में या तो पॉपुलरली वाइडली दैट शुड बी डिस्क्लोज। अगर आपके कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए दैट इज ओपन टू सिटीजन, आप लिख दोगे कि हमारे पास ये राइट लाइब्रेरी है, आप दैट इज ओपन टू द सिटीजन, यू कैन कम टू दिस लाइब्रेरी एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लाइब्रेरी। अगर आपके पास कुछ आपका रेस्ट रूम है जिसका दैट इज ओपन टू सिटीजन, दैट इज ओपन टू पब्लिक, आप लिख दीजिए कि देयर इज ए रेस्ट रूम। तो ये सब जगह पे उसका डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब वाइल्ड पब्लिसिटी होना चाहिए, दैट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। एंड द नेम्स डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द PIO, जो PIO है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो उसका डिटेल्स आपको हर जगह पे वाइड इंफॉर्मेशन देना है, दैट शुड बी सो मोटो डिस्क्लोजर बाय द पब्लिक अथॉरिटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। 41BX, ये ध्यान से रखिए, 41BX, 4 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में स्मॉल b ब्रैकेट में x, 41BX। अभी ये तो हमको पब्लिक अथॉरिटीज का इंफॉर्मेशन ये सब चीज देना है। अभी आया व्हाट आर द एग्जेम्पशन फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या किया, बोले कि इंफॉर्मेशन तो आपको देना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होता है दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोले कि वो जो सेक्शन होता है सेक्शन 8 में कवर होता है एंड सेक्शन 9 में कवर होता है एंड शेड्यूल 2 में कवर हुआ था। बिफोर दैट फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था शेड्यूल 2 में देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वहां पे आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आप मांग नहीं सकते हो कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू आर सीक फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहां पे आया ये एग्जेम्पशन, दो चीज सेक्शन 2F सेक्शन 8(1), ये चीज को एक डीलिंग क्लर्क या डीलिंग OSO या डीलिंग कोई भी डीलिंग करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई भी एप्लीकेशन, ही शुड वेल कन्वर्सन टू दी सेक्शन 2F एंड 8(1). ये अगर दोनों एक्ट को, दोनों सेक्शन को अच्छे से समझ लिए तो आप हर कोई RTI का जवाब इजीली दे सकते। 8(1) में है क्या? 8(1) में 8(1A से लेके J तक सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन में लगाया क्लॉज लगाया, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। 8(1A में ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड प्रिजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये अगर भारत का अखंडता और प्रभुता को अगर बाधा देता है, बाधा सृष्टि करता है, जो इंफॉर्मेशन देने से वो इंफॉर्मेशन आप दे नहीं सकते हो। अब PIO विल डिसाइड कि ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को एम्पर करता है क्या, नहीं करता है तो इंफॉर्मेशन देना है, अगर करता है तो नहीं देना, रख दीजिए।
बोल दीजिए कि as per section 81A the information cannot be provided. Section 81B the information which has been expressly forbidden to be published by any court. अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यही इंफॉर्मेशन, सपोज देर इज ए कैट क्विज, कैट केस चल रहा है या तो कुछ हाईकोर्ट का केस चल रहा है, अगर हाईकोर्ट ने बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आप ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर कोई इंफ्रेजलार्जेस के बारे में कोई बंदा कोई पूछ रहा है, कोई एम्प्लॉय पूछ रहा है, कोई सिटीजन पूछ रहा है, तो अगर उस लार्जेस्ट मतलब समस्त लार्जेस्ट दूसरा कोई फैक्टर्स होगा जो भी मान लीजिए कि समता आंदोलन की हुआ था इसके बारे में कुछ भी अगर पूछ रहा है कि जो चीज़ आपका कोर्ट ने मना किया है देने के लिए आप नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली जो आपका कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस चीज़ को आपको नहीं देना। 81B में है वही, जो अगर कोर्ट का केस होता है अगर वो कोर्ट केस चल रहा है तो कोई भी एक्सप्रेशन दैट रियली इंडिकेटेड बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैट, एनी टाइप ऑफ कोर्ट अगर जजमेंट दिया है कि इसका इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। 81B। अभी 81C, इंफॉर्मेशन व्हिच कॉजेस ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव कोई कुछ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है उस इंफॉर्मेशन में, दैट इज ए पार्लियामेंटरी मैटर। 81D वेरी इंपॉर्टेंट। 81D बोलता है कि इंफॉर्मेशन व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ ऑन थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी का डेफिनेशन जो है ना बहुत थोड़ा ये है, थोड़ा सा उसको अच्छे से एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी जो होता है ये कोई मान लीजिए कोई सिटीजन मांग रहा है कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इज द फर्स्ट पार्टी एंड पब्लिक अथॉरिटी इज द थर्ड सेकेंड पार्टी एंड ही इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए टेंडर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है। कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है? जो कि कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ दैट थर्ड पार्टी विल बी हैम्पर। अगर मान लीजिए कि उसने कोटेशन डिटेल्स में कुछ दिया है, ये कोटेशन मांग रहे हैं, चार पार्टी से कोटेशन मांग रहे हैं, एक पार्टी ने कोटेशन दिया है कि मुझे इतने में आपको प्रोवाइड करना है, तो दूसरा पार्टी ने बोलते हैं कि मुझे उसका इन्फॉर्मेशन देना है, इससे अगर ये मालूम पड़ जाएगा तो उससे वो कम करेगा कि ज़्यादा करेगा करके उसका कॉम्पिटेटिव पोजीशन दैट विल बी हैम्पर इट्स कॉम्पिटेटिव पोजीशन, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है। वो जनरली अकाउंट्स में ये देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटेटिव पोजीशन। नेक्स्ट 81E, 81E इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। दैट इज द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बोलते हैं कि मेरा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉई अपना एम्प्लॉयर को एज ए ट्रस्ट इंफॉर्मेशन दिया है, दोज इंफॉर्मेशन व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर बाय ट्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि मैं मेरा घर का पता दिया है, मेरा एड्रेस दिया है, या तो मेरा प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स दिया है एज ए ट्रस्ट टू द एम्प्लॉयर, आई हैव गिवन दैट इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर हैज उनका भी कुछ रहेगा टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई मांग रहा है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देना है, दैट विच आर पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 81E। सेक्शन 81F में क्या बोलता है कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो नहीं देना है। 81J, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 81J में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड एंडेजर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी ये इंफॉर्मेशन देने के बाद में किसी को जाके कोई एड्रेस दे दिया, शाम को जाके उसको कोई अटैक किया, दैट विल बी एंडेजर हिज लाइफ, तो इंफॉर्मेशन स्पेशली पर्सनल इंफॉर्मेशन जो ट्रस्ट के ऊपर एम्प्लॉयर को दिया जाता है उस इंफॉर्मेशन को कभी मत दीजिए। आप लगाइए सेक्शन 81E लगाइए, आपको देखना है कि वो एंडेजर करेगा कि नहीं, क्या करेगा वो, तो दैट इज 81E लगा दीजिए कि
as per section 81A, E, the information cannot be provided as fiduciary relationship का ये होता है. Next आता है कि cabinet papers होता है, उसको तो नहीं देना है. 81J, personal information, 81J third party information लगा के सब देते हैं. This is a third party information. बोलते हैं कि 81J ये बहुत clearly एक एक word देखिए, that is the personal information. Personal information which has no relationship to any public activity. कोई भी public authority का कोई भी activities होता है, file processing होता है, जो भी होता है, personal information के has no उसका साथ में कुछ relationship नहीं है, वो चीज को नहीं देना है. अगर मान लीजिए कि किसी का डिकेटेगराइज होता है, उसका बारे में नोटिंग पेजेस का बारे में मांग रहे हैं, उसका क्या क्या डिसीजन आया, उसका ऑर्डर के बारे में मांग रहा है, वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि दैट इज द डीलिंग प्रोसेस ऑफ आवर डिपार्टमेंट. पब्लिक अथॉरिटी का ये प्रोसेस है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी, दैट इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट गिवेन बाय द पर्सन, थर्ड पर्सन ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. ये इन्फॉर्मेशन आपका फाइल प्रोसेसिंग चल रहा है, नोटिंग चल रहा है, ये आपका ही चल रहा है. यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई नहीं है, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी, आप वो फाइल को डील कर रहे हो, तो यू आर द सेकेंड पार्टी एंड द सिटीजन इज द फर्स्ट पार्टी, एंड फर्स्ट पार्टी द सिटीजन इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंड पार्टी, दैट इज द पब्लिक अथॉरिटी. इन दिस केस द पब्लिक अथॉरिटी विल प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन. अगर कोई इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया है, वो चीज को आपको जो इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है पब्लिक अथॉरिटी के पास उसमें देना है. पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हिच हैज नो रिलेशंस टू इन पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और व्हिच वुड कॉज अनवांटेड इन्वेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल. अगर वो इंफॉर्मेशन देने से अगर किसी इंडिविजुअल का प्राइवेसी नष्ट होता है, दैट विल इन्वेस अनवांटेड इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन. Subjected to a larger public interest. अगर वो information देता है, that is the description power of the public authority. अगर वो देख रहा है public authority, ये information देने से बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, he can keep. लेकिन वो information तो देगा, इस information देने के बाद उसको कुछ procedure follow करना पड़ेगा. ये third party information का आता है. ये 81J में हो गया, personal information which has no relationship to any public authority or interest or which would cause unwanted invasion of the privacy. ये हो गया आपका exemption. इसका third party की information का वो अच्छा सा है, उसके बारे में बताऊंगा next slide में. अभी देखिए ये हम जो RTI का आता है, request आता है, हम कैसे deal करते हैं, ये slide में total, ये railway का जो total railway का पूरा views है. कोई भी RTI का एप्लीकेशन आता है, डिवीजन लेवल पे आता है, जोनल लेवल पे आता है, रेलवे बोर्ड लेवल पे आता है. रोल रेलवे बोर्ड में भी कुछ CPIO रहते हैं, APIO रहते हैं. CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, APIO होते हैं. जोनल में भी आता है CPIO APIO के पास में, डिवीज़न के पास में CPIO APIO के पास में आता है, तो इन्होंने रिप्लाई भेजते हैं. अगर वो अपने से पैटर्न नहीं करता है तो दूसरे के पास में भेजते हैं, सेक्शन 6(3) में लगा के ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में वो बताऊंगा. ये दिस स्ट्रक्चरल बॉडी ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल के लिए. यहाँ पे हमारे डिवीजन लेवल पे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, अगर कोई भी सिटीजन कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है, उसको वो इंफॉर्मेशन ठीक टाइम में नहीं मिल रहा है, या तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद the remarks or replies given by the public authority or PIO, he will prefer appeal to the first appellate authority. Who will be the first appellate authority in a division? That will be ADRM, Assistant Divisional Railway Manager, and in case of zone, he will be SGM, Assistant General Manager. In Railway Board is AMC, Assistant Member Commercial. ये जो होते हैं ये तीन लेवल का होता है. अगर यहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मिलता है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, या तो विद इन दैट टाइम लिमिट के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, देन ही विल गो टू CIC. CIC इज द सेकेंड एबिलिट अथॉरिटी ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इज द अपेक्स बॉडी CIC. ओके, ये हो गया स्ट्रक्चरल बॉडी.
डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, अगर आपके पास में कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में कोई भी आपके पास अपील आता है, सिटीजन विल गिव एन ऑब्लिगेशन टू ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। किस किस फॉर्म में दे सकता है? वो खुद आके दे सकता है, या तो कंप्यूटर भी करा सकता है, या तो लेटर भेज के भी कर सकता है। तीनों फॉर्म में वो आके दे सकता है। उसका एप्लीकेशन आपके पास आके पहुंचना चाहिए इन एनी मीन्स, बाय हेल्प ऑफ पोस्टल, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाय हेल्प ऑफ हिमसेल्फ। वो तीनों प्रकार से आके आपको एक एप्लीकेशन दे दिया। वो एप्लीकेशन जो बोलते हैं कि आप हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, हमको पढ़ना नहीं आता है, गुजराती में दिया, क्लियरली बोला है सेक्शन 3 में बोला है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका देता है, जिस जगह पे वो एप्लीकेशन दे रहा है वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो दे सकता है। अगर सपोज वन सिटीजन इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बलसाड, वो बलसाड एरिया में एप्लीकेशन लिख रहा है, ही विल गिव द एप्लीकेशन इन गुजराती लैंग्वेज, यू कैन डिनाई, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं आता है तो दूसरे का हेल्प, यहाँ पे कर रहा है तो मराठी में दे सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज को डिनाई नहीं कर सकते हम। हमारे पास एप्लीकेशन आता है, हम गुजराती नहीं जानते हैं, मराठी नहीं जानते, लेकिन हम उसका बगल वाले जो कोई भी एम्प्लॉइज जो मराठी जानता है उसके पास क्या लिखे हैं बताओ, फट इंफॉर्मेशन ही सीकिंग फॉर, तो उनको पूछते हैं तो बताते हैं, वो पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने, तो फिर हम बोलते हैं कि इसका जवाब ये होगा। तो मतलब आप डिनाई नहीं करोगे गुजराती में आया तो नहीं जाना, ऐसे नहीं। कोई भी लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, इन दैट रीजन इन व्हिच ही इज राइटिंग द एप्लीकेशन, ही कैन राइट द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको पास रिक्वेस्ट आया, आइदर एपीआईओ को दे सकता है या सीपीआईओ को दे सकता है, एपीआईओ असिस्टेंट पर्सन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या पीआईओ को। ये पीआईओ जब वो एप्लीकेशन लेगा वो देखेगा कि उसने प्रॉपर रिक्विजाइट फीस वो सबमिट किया है कि नहीं। तो रिक्विजाइट फी कितना होता है कि अगर पीएलबी बीपीएल लिस्ट में है तो उसको पैसा नहीं देना है, अगर बीपीएल में नहीं है तो 10 रुपया देना है। ये उसके पास में एप्लीकेशन आ गया। आने के बाद में उसने क्या करेगा, अगर वो एप्लीकेशन अपने पास इंफॉर्मेशन है एंड द इंफॉर्मेशन इज अब नंबर ऑफ पेजेस, तो उसने उसने क्या करेगा, एडिशनल फी के लिए उसको इंटीमेशन लिखेगा, पहला जो है ना एडिशनल फी। सेकेंड, ही विल ट्रांसफर द केस 6/3। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आता है, ही इज सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बेस्ट, वहां से मांगता है, तो मैं नहीं डिनाई नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं लूंगा। आई विल रिसीव दैट एप्लीकेशन एंड आई विल ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन टू द बेस्ट, उसमें ट्रांसफर करूंगा। तो वो 6/3 में उसको क्लॉज 6/3 करके वहां पे दूंगा, और उसके साथ साथ में इन एडिशन टू दैट आई विल ऑल्सो इंटीमेट दैट पब्लिक दैट आई हैव ट्रांसफर्ड योर एप्लीकेशन अंडर 6/3 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट टू दैट पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट फर्दर यू विल कॉन्टैक्ट विद द नेक्स्ट पब्लिक अथॉरिटी टू गेट द इंफॉर्मेशन। ये हमको इंटीमेट करना है, हम डायरेक्ट भेज देंगे उसके पास कॉपी नहीं देंगे, नहीं, कॉपी हमको उसको भी देना है। ये 6/3 में ट्रांसफर करते हैं। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप दे दो, या अगर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप 81J लगाओ और 11(1) का प्रोसीजर अडॉप्ट करो। करने के बाद उसको लिखो कि द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय द एप्लीकेंट इज ए थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अनदर बॉडी अनदर पार्टी, दैट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, यू विल गिव दैट टाइप ऑफ रिप्लाइज एंड अनदर इज रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन केस में क्या होता है, सेक्शन 9 में लिखा है कौन सी एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर देते हो। एक होता है रिजेक्ट करना, एक होता है रिफ्यूज करना, रिफ्यूज और रिजेक्ट करना। रिफ्यूज में क्या होता है कि कोई भी आरटीआई का आपके पास एप्लीकेशन आता है, आप 30 दिन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी ने उस 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई नहीं देता है, तो इन दैट केस that will be treated as you refused that application. अगर refuse करते हो you will be penalized, आप उसको स्वीकार नहीं करते तुम्हारा application हम ले लें, indirectly आप right to information act को मान नहीं रहे हो, that is refused case, rejected।
आप उसको रिजेक्ट करोगे, नहीं आपका एप्लीकेशन ग्रहण योग्य नहीं है। किस केस में नहीं है? वो सेक्शन 9 में लिखा है, सेक्शन 9 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 8(1) में एग्जेम्पशन था, 9 में आपका रिजेक्शन है। शेड्यूल 2 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बोलता है कि अगर देयर विल बी इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स होता है तो उस केस में, अगर मान लीजिए कि कोई कॉपीराइट्स के लिए कहाँ से लीगल परमिशन लेके आया है, दूसरा कोई उसके बारे में जानना चाहता है, थर्ड पार्टी कोई जानना चाहता है, तो उस केस में उसको रिजेक्ट करेंगे। दीज आर द केसेस। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो आप दे दो। ये दीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दिस इज द डिस्पोजल प्रोसीजर, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन।